बार भाजपा होती थी, एक बार कांग्रेस होती थी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार लोग कह रहे थे वहां भी बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि इस बार यहां उत्तराखंड के अंदर सरकार बदल जाएगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने राष्ट्रवाद के साथ चलते हुए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर एक बार फिर से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और काम करने वालों को फिर से वहां मौका दे दिया। और यही पार्टी जिनके बारे में भी कह रहे थे कि इतने दिनों से इतने सारे उन्होंने वायदे किए, तमाम प्रकार की घोषणाएं की, वो सारी घोषणाएं कोरी साबित हुई है। और ये पार्टी वहां उत्तराखंड में भी आई थी, चुनाव में दो दो हाथ करने के लिए आए थे और तमाम बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी घोषणाएं वहां करती। तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने पूछा, मैंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, हमेशा राष्ट्र के साथ चलने वाले हैं, राम भक्त भी हैं और राष्ट्रभक्त भी हैं, इसलिए यहां आप पार्टी का कोई खाता नहीं खुलेगा। और चुनाव के परिणाम आए भाई बहनों, चुनाव के परिणाम आए, वहां एक भी खाता नहीं खुला, 1% भी वोट नहीं मिला। और चुनाव जब समाप्त हो गए, चुनाव के समाप्त होते ही जिनको उन्होंने वहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा था, कर्नल अजय कोठियाल जी, बहुत नेक इंसान है, पूरी सेवा उन्होंने फौज में करी है, वह मुझे मिलने आए थे। बोले भाई साहब, मैं जो सोचकर आप पार्टी में शामिल हुआ था, बाहर से मुझे लगता था कि आप पार्टी बहुत ईमानदार लोगों की पार्टी है, आप पार्टी बहुत काम करने वालों की पार्टी है, और जैसा बाहर से दिखता है, जैसा वहां बोलते हैं, वैसा ही होता होगा। लेकिन जब मैंने उस पार्टी में काम किया, तब मुझे लगा कि ये पार्टी तो अंदर से पूरी तरह से खोखली हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से झूठ में लिपटी हुई है, पूरी तरह से दोगलापन इस पार्टी में है, इस पार्टी का चरित्र है। इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में काम करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूं, देश के लिए काम करना चाहता हूं, और पूरी पार्टी के साथ, आधी पार्टी नहीं, पौने पार्टी नहीं, 90% नहीं, 100% जितने पदाधिकारी थे, जितने थे, कोठियाल साहब, सारे के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली भाई। और इतना ही नहीं, उसके बाद दूसरे अध्यक्ष बने वहां, वो ढूंढने लगे कि अब अध्यक्ष कौन बनेगा, उत्तराखंड में कोई मिल ही नहीं रहा था, उन्होंने ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, दूसरे जो अध्यक्ष बने वह भी 20 दिन के बाद कहने लगे कि मैं इस पार्टी में घुटन महसूस कर रहा हूं, मैं इस पार्टी में काम नहीं कर सकता। और उन्होंने भी अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाइयों बहनों, जिस पार्टी का चरित्र ऐसा हो, जो वहां काम न कर पा रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए वहां माहौल नहीं था, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था। आज ही मुझे दिल्ली में पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि उत्तराखंड के लोग क्या करेंगे दिल्ली के चुनाव में। मैंने कहा, उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए हैं, उत्तराखंड के साथ लोग राम भक्त और राष्ट्रभक्त हैं, जैसे हमारा रवि है, राम भक्त भी है और राष्ट्रभक्त भी है। उनकी आवाज एक ही होती है, वो सब एक साथ चलते हैं, देश के साथ चलते हैं। अरे भाई, वो उनके साथ खड़े होंगे जिन्होंने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांग लिया, सेना का भी अपमान कर दिया, सैनिकों का अपमान कर दिया, भारत के शौर्य पराक्रम को ललकारने का काम कर दिया। उत्तराखंड के लोग उसके साथ खड़े होंगे जिसने सेना, जो हमारी सीमाओं पर काम करती है, उनको अब किसी से पूछना नहीं पड़ता गोली आ रही है, गोली का जवाब देना है कि नहीं, गोलों से हमारी सेना जवाब देने का काम करती है। ये आदेश जिसने दिया, जिसने ये व्यवस्था बनाई, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, उनके साथ खड़ी होगी। गलवान की घाटी में जो हुआ,
हम भूल नहीं सकते। हमारे मन में हमेशा संदेह रहता था कि चीन की सेना के साथ हमारा युद्ध होगा तो कैसे होगा, क्योंकि हमको विरासत में एक बहुत बड़ी पीड़ा मिली हुई थी, बहुत बड़ा संदेह मिला हुआ था। हमारी सेना हमेशा से ही भारत की सेना दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। हमारी सेना का इतिहास शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है, लेकिन इनकी जो उस समय का नेतृत्व था, उस नेतृत्व के कारण हमारे मन में हमेशा संदेह रहता था। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है लड़ाई लगते हुए क्या होता है। जब सैनिक लड़ाई में जाते हैं तब उनके परिवार का क्या स्थिति होती है, परिवार के ऊपर किस प्रकार की उस समय की बात होती है, ये सारा हमने नजदीक से महसूस किया है भाइयों बहनों। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के सैनिकों ने जो गलवान की घाटी में चीन के सैनिकों के दांत खट्टा करने का काम किया, वह भी हमारे लिए इतिहास बन गया, हमेशा के लिए इतिहास बन गया। यहां अभी रवि भाई बता रहे थे, मैं दिवाली के बाद एक दिन यहां आया तो मुझे उत्तराखंड सदन में कहने लगे लोग, सवेरे सवेरे 6 बजे में निकलेगा, 6 बजे मुझे बाहर निकलने की आदत, तो कह रहे कहां जा रहे हैं साहब आप। मैंने कहा मैं जा रहा बाहर घूमने जा रहा हूं दिल्ली में। बोले नहीं 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 बिल्कुल मत निकलिए अभी। मैंने कहा क्यों क्या बात है। बोले बाहर बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है, दिवाली भी बंद करवा दी आपने, दुर्गा पूजा भी बंद करवा दी आपने, छठ पूजा भी बंद करवा दी और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा दिया। आप तो कहते थे कि हम दिल्ली को जो है मॉडिफाइड कर देंगे, अच्छी हवा दे देंगे, अच्छा पर्यावरण दे देंगे, और दिल्ली को आपने गैस का चैंबर बना दिया। यमुना की सफाई के लिए 2400 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया और आपने वह पैसा भी वहां नहीं लगाया। आज यमुना को भी नाले की तरह बना दिया। जो यमुना मेरे उत्तराखंड से आती है, जिसका लोग आचमन करते हैं, यमुना मैया को इतना यहां पर विशाला बना दिया। आखिर कितनी बातें बोली जाए, यहां दलबीर नेगी, दिलवर नेगी हमारा, उस बच्चे का क्या गुनाह था, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, बेरहमी से आपने उसको जो है जला दिया। आखिर कौन थे गुनाहगार, हो कौन थे कातिल, उन सबको जवाब देने का ये चुनाव है भाइयों बहनों। आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां हर घर से जल, नल से जल हर घर में पहुंचाने की योजना चल रही है, हर किसी को मकान देने की योजना चल रही है, और दिल्ली में यह योजना भी नहीं चल पा रही है, हर किसी को उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 6 करोड़ लोगों ने उत्तराखंड में इस योजना का लाभ ले लिया और दिल्ली में एक को भी नहीं योजना का लाभ मिला। आखिर क्यों, ये प्रश्न हमको पूछने हैं। कुछ हमारे सामने उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रलोभन डाले हुए, कुछ इस प्रकार की चीजें डाली हुई है जो तात्कालिक रूप से आज हमें अच्छी लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खराब होने वाला है। इसलिए हमें आज की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान ठीक करना है। जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे रवि नेगी जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं, एक तरफ झूठ और फ्रेम की राजनीति करने वाले खड़े हैं, एक तरफ झूठ बोलने वाले, फ्रेम करने वाले। आदि आज 1300 करोड़ रुपए का स्कूलों का कोई घोटाला भी सामने आया है भाइयों बहनों। जेल में मंत्री हैं, उनको हाईकोर्ट से भी छूट नहीं मिल रही है, जेलों में बंद हैं और जेलों के अंदर भी तमाम प्रकार के कृत्य करवाने वालों से कोई मालिश करवा रहा है, कोई दरबार लगा रहा है। आप कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के नाम पर जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं। अरे भाई, आपने तो भ्रष्टाचार को दिल्ली में जमाने का काम कर दिया है। दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार पूरी तरह से जमा दिया है, उसको सींचने का, फलाने फुलाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। तो एक तरफ ऐसे काम करने वाले लोगों को मौका देना है, और मैं देख रहा हूं कि रवि नेगी ने लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है, एक मौका इसको जरूर मिलना चाहिए। और केवल
केवल मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि आप 2000 तो हजार 2000 वोटों से जीत जिताते हैं। इस बार इसको